बाप रे, आ जाओ। बाप रे बाप रे, इतना तेज है। वही सांप है? हाँ, ये रेड है ना, रेड रेड वाला असड़िया। असड़िया है? मैंने पानी वाला है। नहीं, रेड स्नैक चूहा खाने वाला, जो अपने आस पकड़ के लेके जा रहा था। अब वही बात है, चूहे खाने वाले ये ज्यादा निकल रहा है। नहीं, आप अपनी ये बोरी को चेक कर लीजिए, छेद तो नहीं है सर? हाँ है, देख लो, आप भी देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा चेक कर लो एक बार। हाँ दूसरी सी को डबल कर दो, नहीं बोरी से डबल डाल दो, ये बाजार से आती है ये। बोरी अब रखना पड़ेगी, सबसे पहले ये सब लॉक करवाओ, ये सब कबाड़ आता इसके चक्कर में। वो तो हमारा दिमाग गया कि इसको टोकरी में देखो। और मैं टोकरी में हाथ डाल के देख लिया था, मैं तो पूरा पन्नी वन्नी सब हटा के देख लिया था। हमने इनसे कहा भैया आप टोकरी दे। नहीं, मैं जब आता हूँ तो पूरा तफ्तीश करता हूँ। सही बात है, बहुत अच्छे से करते हैं आप, सही बात है। क्योंकि जब सांप घुसा है और जगह बहुत है आपके रहने की, बहुत जगह है सांप, बहुत ज्यादा, पूरा घर बिल्कुल ऐसा इस समय बन गया है। पूछ है इसकी, देखो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मधुसूदन विश्वकर्मा। अच्छा, तो कब से आप सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और कितने सांप पकड़ चुके हैं आप? अभी तक मान लीजिए मेरा 3 लाख सांप पकड़ चुका हूं, और ये बहुत समय बचपन से ही कर रहा, मतलब मान लीजिए 8 साल की एज से। 8 साल की एज से? ठीक है, तो कैसे स्टार्ट किया आपने ये? क्या मतलब, जानवर से बहुत ही प्यार है, मतलब कभी मारना पसंद नहीं करते, तो घर में हमारे यहाँ निकलते रहे तो लोग मारते रहे, जैसे सब बहनी वगैरह हो गया तो उनको मार देते रहे, हम लोग उसको पकड़ते रहे, पहले सीखे नहीं रहे। आप तो सीख लिए हैं तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो आपका कोई ग्रुप है कि आप खुद ही करते हैं ये? हाँ, ग्रुप भी है, हम लोग यहाँ पास जितने भी लड़के हैं ऐसा डोल्स में हमने सिखाया साथ में रह के। अब इनको सांप को पकड़ के कहाँ छोड़ते हैं? ये जंगल में छोड़ते हैं। तो आपका प्रोफेशन यही है, इसके अलावा भी कुछ और करते हैं? नहीं, इसके अलावा हमारा ठेका चलता है, कॉन्ट्रैक्टर है, लाइट की फिटिंग का, वो सब चलता है, और स्टोर भी है। हाँ भैया, आपको कभी कोई कैजुअलिटी भी हुई है इसमें? बहुत बार हुई है, 7-8 बार सांप ने बाइट किया है, जैसे कील बैक हो गया, कोपरा हो गया, ये रेड स्नैक हो गया। क्या फ्री हैंडलिंग करने की कोशिश करे, क्या बोरी में भी डाल रहे, बोरी में डालते समय भी धोखा हो जाता है, एक बार बांधते समय हमारे साथ धोखा हो गया रहा, बोरी हमने बांध लिया, चारों तरफ से बांधा लेकिन एक सब बच गया रहा, तो उसमें से कोबरा निकल गया। जब कोबरा निकला और हम लोग जा रहे थे मतलब सांप को रिलीज करने जंगल में, गाड़ी पे तो वो जो बंदर चला रहा था उसने बांधा रहा, लेकिन अब हम पकड़ के पीछे बैठे हैं, सांप हमारे हाथों से निकल के उस सांप की लेंथ रहा करीबन 5-5.5 फीट, हाथों से निकल के जब वो पेट के पास में आया, थोड़ी सी एहसास हुआ ठंडक सा, तब हमने देखा वो सांप निकल चुका है। अब हम लोगों की तो मरने और जीने की सवाल है, मैं बताता हूँ सामने वाले को तो वो हड़बड़ाएगा, दोनों जन को दिक्कत हो सकती है,
फिर उसके बाद मैं शांत रहा। अब मेरे ऊपर तो आया ही है, अब जब सांप का इंतजार करेगी ऐसे यहाँ पास आया, इतनी दूरी पे आ रहा है सांप। फिर मैं गाड़ी में पीछे हुआ हूँ, जब ये हाथ से क्रॉस हुआ तब फिर उस सांप को फेंका, चलती गाड़ी में, चलती गाड़ी में। तो लड़के ने बोला क्या हो गया, मैं बोला ये सांप निकल गया। फिर हम लोग सांप को उतर के देखे भी, कहीं उसको तो चोट नहीं लग गई। फिर ये सब घटनाएं होती रहती, कितना भी सीखे रहो। मतलब कहते हैं ना, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उंगली में को काटा था, ये उंगली में भी काटा रहा। उंगली में जब बोरी में डाल रहे थे सांप को, तब वो बोरी उड़ गई हवा में, जैसे नहीं उड़ जाती, जैसे डाले तो वो उसका मुंह मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कितने समय की ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद यहाँ आके कितने लोगों को ट्रेन किया है? साल भर की ट्रेनिंग रही गुजरात नेशनल इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पर तो मान लीजिए करीबन मैं 100 लड़कों को सिखा चुका हूँ। 100 लोग तो टोटल ग्रुप ने कितने पकड़े होंगे? हमारे ग्रुप ने 1 करोड़ से ऊपर सांप पकड़ चुके हैं। 3 लाख अपने के लिए किस तरह की स्नेक मिलती इस एरिया में? और इस एरिया में जनरली जैसे कोबरा, रसल वाइपर, बैंडेड करैत, करैत कॉमन करैत, वुल्फ स्नेक, रसल वाइपर, और क्या बोलना से बैंडेड ट्रेसर, कील बैग, चेकर्ड कील बैग, बहुत सारे हैं। फिर भी मतलब जो जो वेनमस स्नेक हैं, कोबरा, करैत, बैंडेड करैत, रसल वाइपर। घोड़ा पछाड़ कैसा होता है? घोड़ा पछाड़ यही है, यही कहलाता है। हाँ, इसी को बोलते हैं घोड़ा पछाड़। अच्छा, जिन लोगों के घर में सांप निकला है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे टेकल करें, जैसे जब तक आप लोगों को मतलब बुलाते हैं तो हाँ, उस बीच में क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको यही करना है कि जैसे मान लीजिए आप हमें बुला रहे हैं, सांप आपके घर में दिखाई दिया है, तो आप उस सांप को देखते रहिए, और हमें जब फ़ोन करते हैं तो आप अपनी निगाह नहीं हटाइए। जैसे किसी भी तरह से है कि भैया सांप इधर घुसा, तो हम उस जगह में आके जांच कर सकते हैं। अपने पास जांच करने का कोई इक्विपमेंट तो है नहीं, आपके सहारे ही हम देखते हैं सांप को। तो आप लोगों का हर शहर में जैसे स्नेक कैचर होते हैं, तो कोई ग्रुप होता है सबका कि सब अलग अलग होते हैं? सब अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन बस कांटेक्ट में रहते हैं कि हाँ भैया इस एरिया में आपको ये नंबर मिल जाएगा। मतलब सभी लोगों को अपने एरिया के स्नेक कैचर के नंबर अपने पास जरूर रखने चाहिए। यदि स्नेक कैचर के नंबर नहीं भी हैं तो आप 100 नंबर पर डायल कर। अच्छा, उससे भी भेजते हो? हाँ, उनको भी। अच्छा, उनके पास आपके नंबर रहते हैं, वो आपको इन्फॉर्म करते होंगे? ये नई बात आपने बताई। किसी को भी वो फोन करेंगे? किसी को भी करेंगे। अच्छा, इधर पांडव नगर के एरिया में कोई आपका ग्रुप का है? कोई पांडव नगर है, लड़के हैं बहुत हैं। अच्छा, पांडव नगर में हालांकि अभी सांप पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सब उस तरह के हैं, कोई गारंटी नहीं है। और ये नेचर के बहुत अभिन्न अंग है, नेचर इससे ही है। आप बोलेंगे सांप तो जहरीला होता है, सांप हमें काट देगा, हम मर जाएंगे, लेकिन सांप कितने सारे जीवों को, जहरीले जीवों को खाता है, जिनको हम पहचानते भी नहीं कि ये जहरीला है कि नहीं है। डरते लेकिन हम, हाँ, लेकिन डरते हम सांप से केवल। घरों में रहने वाले जैसे छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो सांप से भी ज़्यादा जहरीले हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो सांप जो है एक अपनी रक्षक भी है। सांप का जो स्ट्रक्चर है कैसे है, रबड़ की तरह है। उसका रीज़न है कि वो चूहों को ही खाता है। बेसिक जैसे खेतों में चूहे रहते हैं, तो सांप बिल के अकॉर्डिंग घुस जाता है उनके दिल में, चूहों में। मेंढक और चूहा खाते हैं? मेंढक और चूहा खाते हैं, दो मेन हैं इनका, मेंढक और चूहा। ये गर्मियों में या सर्दियों में कब निकलते कि नहीं निकलते? गर्मी शुरू हो गई इस समय तो ये कैसे कम? गर्मी में जब उमस पड़ती है तब निकल, तब ये निकलते हैं। अब बारिश का समय है, बारिश में जब इनके बिलों में पानी भर जाता तब ये बाहर आते हैं। सर्दियों में कम हो जाते हैं? सर्दियों में कम होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाँ, उनको क्या खाने की अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, 3-4 महीने के लिए पूरा पैक रहते हैं, स्टोर कर लेते हैं, बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। यदि जैसे एक सांप एक दो चूहा खा लिया, 10-15 दिन 15-20 दिन मस्त रहता है। अच्छा, तो ये जैसे इतना पतला है तो बॉडी में कैसे इतने बड़े स्नेक को ले लेते हैं? इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रेचेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हाँ, माउथ जो होता है चारों तरफ से अच्छा खुल जाता, खुल जाता है, चूहा इनके मुंह में चला जाता सीधा। हाँ, वो निकलते हैं। इनका जो दांत कर्व रहता है, टेढ़ा रहता है,
तो वो जब सांस सक करते हैं तो अंदर जाते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा निकल लेते हैं, पूरा निकल डाइजेस्ट करते रहते हैं। हाँ, सांप में एक खासियत ये भी है, जैसे मान लीजिए किसी अंडे को खाता है, अंडा तो सहंगा खाएगा, फोड़ के तो खाएगा नहीं, सहंगा खाने के बाद उसको अंदर डिस्ट्रॉय कर लेता है, और फिर वो जो छिलका रहता है छिलका को मुंह से बाहर निकाल देता है। ये टेक्निक है, तोड़ के उसको ऐसे को, हाँ, छिलके को बाहर निकाल देता है। अच्छा, ये अजगर भी पॉइजनस होता है कि नहीं? नहीं, इंडियन पाइथन जो भी होते हैं, मतलब जो भारतीय अजगर हैं उनमें जहर नहीं होता है।